क्या किसी को कैंसर होता है तो फिर से हो सकता है? अगर हो सकता है तो दोबारा कैंसर होने से हम कैसे बच सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलैब कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से। आमतौर पर कोई भी कैंसर का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं जिसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, सपोज माउथ कैंसर है उसका हमने सर्जरी किया, ब्रेस्ट कैंसर है उसका सर्जरी किया, या पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया, रेडिएशन किया, या इम्यूनोथेरेपी दिया, टारगेटेड थेरेपी दिया, जब किसी का पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें दोबारा कैंसर होने से हम बच सकते हैं? इस वीडियो में मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बाद कोई भी सिम्टम रिलेटेड टू वो कैंसर अगर फिर से आपको लगता है तो इमिडिएटली आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। और दूसरा, सिर्फ सिम्टम पे ही नहीं मिलना चाहिए, तो पर्टिकुलर हमारे फॉलोअप के प्रोटोकॉल्स रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंसर, कोई कैंसर अगर वापस आता है तो जो भी रिकरेंस होते हुए 80% रिकरेंस हमें पहले 2 साल में ही होते हैं और 95% रिकरेंस 5 साल तक होते हैं। मतलब कोई पेशेंट 2 साल ट्रीटमेंट के बाद ठीक रहता है, उसका कैंसर वापस नहीं आता है, तो ऑलमोस्ट 80% वो क्योर है ऐसा हम बोलते हैं, और अगर 5 साल कैंसर नहीं आता है तो ऑलमोस्ट 95% वो क्योर है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले 2 साल आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को हर 2 से 3 महीने में मिलना चाहिए, जिससे क्या होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट एक तो आपको चेक करते हैं, कुछ लगता है कैंसर रिलेटेड सिम्टम है तो इमिडिएटली उसके ऊपर हम एडिशनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, या आपको जो ट्रीटमेंट हुआ है उसके रिलेटेड जो आपको साइड इफेक्ट हुए हैं या कोई सर्जरी हुआ है उसके बाद आपका रिहैबिलिटेशन, मतलब आप नियर नॉर्मल लाइफ जी रहे नहीं जी रहे, ये भी हमें पता चलता है। इसलिए फॉलो आफ्टर ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट कैंसर या कैंसर रिलेटेड सिम्टम। सो पहले 2 साल, 2 से 3 महीने को, हर महीने 2 से 3 महीने को आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है। 2 साल के बाद 5 साल तक, every 6 months, मतलब 6 महीने बाद आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी कैंसर का पेशेंट रहता है उसमें दोबारा कैंसर होने का मिनिमल रिस्क रहता है, जो नॉर्मल एवरेज जिनको कैंसर नहीं उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए कैंसर से डरना नहीं चाहिए। पहले 2 साल 2 to 3 monthly, 3 year to 5th year 6 monthly, एंड आफ्टर 5th year एवरी ईयरली। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ऑल कैंसर, मतलब इस तरह से आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जिससे हम एक तो दोबारा कैंसर होने से बच सकते हैं, और अगर कोई होता है तो अर्ली उसमें एक्शन लेके फिर से हम कैंसर पे मात कर सकते हैं या कैंसर को क्योर कर सकते हैं।